एम्लोप्रेस 80 टैबलेट, यह हाइपरटेंशन में दी जाने वाली मेडिसिन है। तो क्या डोज होता है, कैसे लेना चाहिए, क्या बेनिफिट्स मिलता है, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्या दो एक्टिविटी ऐड करके अपने को बेहतर रख सकते हैं अपने, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें। तो पहले हम बात करते हैं एम्लोप्रेस 80 टैबलेट के बारे में। तो इसे सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पैक है वह 30 टैबलेट का एक बॉक्स है, जिसकी कॉस्ट है 275 रुपये, जो ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अंदर दो मॉलिक्यूल है, एम्लोडेपिन 5 mg, एटेनॉल 50 mg। तो एम्लोडेपिन एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर है और एटेनॉल एक बेटा ब्लॉकर है। तो दोनों ही मिलके आपका जो ब्लड वेसल्स रहता है, जिसमें ब्लड फ्लो होता है, उसे इजीली करवाते हैं और आपके हार्ट रेट को स्लो डाउन करते हैं। तो अब बात करते हैं इसे कब दिया जाता है। तो जब आपको हाइपर टेंशन रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ सकते हैं, या जैसे कि आपका चेस्ट पेन कर सकता है, या जैसे कि आपको किडनी के फंक्शन डैमेज हो सकते हैं या नर्व डैमेज हो सकते हैं, तब इसे दिया जाता है। तो जैसे कि आपको हाइपर टेंशन रहता है, हाई ब्लड प्रेशर, तो जिसमें क्या होता है कि आपका ब्लड इजीली पास नहीं होता है आपके ब्लड वेसल्स में, आपके जो ब्लड वेसल्स के टेंशन की वजह से और आपके हार्ट रेट के ज़्यादा होने की वजह से। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स का जो टेंशन रहता है उसे कम करता है और आप ब्लड का जो आपका हार्ट का जो हार्ट बीट रहता है उसे स्लो डाउन करता है, ताकि जो आपका ब्लड वेसल्स में आपका ब्लड रहे वो इजीली पास होते रहे, एफिशेंटली पास होते रहे। तो जिसकी वजह से जो आपको फ्यूचर में आने वाले कठिनाइयाँ थी वह कम हो जाती हैं और आपको काफ़ी आराम मिलता है, और जैसे आपका हाइपर टेंशन जो रहता है वो कम हो जाता है। तो अब बात करते हैं दो एक्टिविटी के बारे में। तो जो पहली एक्टिविटी है उसमें प्रॉपर डाइट फॉलो करना, आपको ऐसे हाई सॉल्टेड वाली चीज़ को अवॉइड करना है, जंक फूड फास्ट फूड को अवॉइड करना है, हाई फैटी वाले जो मीट रहते हैं उसे अवॉइड करना है, और जैसे कि आपको अवॉइड करना है जैसे कि हाई मसाले वाली चीज़ें को। तो अगर ये कर सकते तो बहुत अच्छा है। और दूसरी एक्टिविटी है जिसमें आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, जिसमें रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग और आप योगा भी कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपको कूल काम रखेगा। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते थे, एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह वीडियो का एजुकेशन नॉलेज पेपर के लिए बनाई गई है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। अगर आप खुद से लेंगे इस मेडिसिन को तो हो सकता है आपको कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जो कुछ इस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि आपको उल्टी आ सकती है, जी में चला सकता है, पेट में गैसेस हो सकते हैं, एंकल स्वेलिंग हो सकता है, आपको ठंड लग सकती है, आपको पल्पिनेशन हो सकता है, और जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन, टायर्डनेस लग सकता है, और आपका जो हार्ट रेट रहता है वो स्लो भी हो सकता है। तो अगर आप इसे ले रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो इसे बंद करने से पहले डॉक्टर से जरूर बताएं, इसे क्रश नहीं करना, चबाना नहीं है, डायरेक्ट पानी के साथ में निकलना। तो अगर आप वीडियो चैनल पहली बार विजिट के वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दिया, और जैसे कि अपडेटेड रहना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट है डाइंग पूछ सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।